नमस्कार पेरेंट्स, क्या आपके बच्चे कमज़ोर हैं? वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं? बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा है? तो ये आपके बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप ये फूड बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वज़न तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। और इस रेसिपी को आप अपने 10 महीने से ऊपर वाले बच्चे को लंच के टाइम बनाकर दे सकते हैं। ये फूड बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना फटाफट शुरू करते हैं। इस फूड को बनाने के लिए मैंने गैस पर प्रेशर कुकर रख दिया है और अब हम सबसे पहले डालेंगे आधा छोटा चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देंगे और घी जैसे हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा साइज का मैंने आलू ले लिया है। इसका छिलका हटाकर इसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे डालकर इसे घी के साथ मिक्स करते हुए भून लेना है कुछ 8 से 10 सेकेंड के लिए। तो ये देखिए, आलू को मैंने भून लिया है घी के साथ। अब हम इसी समय इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच मूंग की दाल। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं यहाँ बिना छिलके वाली दाल ली हूँ। इसे भी मिक्स करते हुए कुछ 4 से 5 सेकेंड के लिए भून लेंगे। तो जैसे ही ये मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच के लगभग नमक। तो सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है मैंने और अब हम इसी समय इसमें मिलाएंगे आधा गिलास लगभग पानी। और पानी डालने के बाद एक बार इसे अच्छे तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगने देंगे। तो देखिए 3 सीटी लग गई है। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक गई है। अब एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच या मेसर की हेल्प से हल्के हाथ से दरदरा इसे मेस कर सकते हैं और ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए अगर बना रहे तो आप इसे इसका प्यूरी बना सकते हैं। अब इसे हल्का ठंडा होने देंगे और अब इसका प्यूरी बना लेंगे। और यकीन मानिए पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को ये फूड बनाकर खिलाते हैं तो उनका वज़न तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। तो मैंने इसे जार में डाल दिया है और अब हम जार का ढक्कन लगाकर इसका प्यूरी बना लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली हूँ और ये देखिए कितना स्मूथ प्यूरी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये फूड बच्चों को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये बनकर तैयार हो चुकी है सुपर हेल्दी और वेट गेन रेसिपी। और इस रेसिपी को आप अपने बच्चों को हफ्ते में 2 से 3 बार बनाकर खिला सकते हैं। ये बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है और उन्हें पेट भी अच्छे से भर जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की बेबी फूड रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर अपडेट होते रहें।